जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको माँ की व्रत कथा सुना रहा हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पालन करता हो, आज तुम मुझसे ऐसा व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया था। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर कि सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा ना लेकर के और अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर के बड़े प्रेम से खा रहा था। तब ही धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है कि हे मातवन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो, इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के वैसे तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर के और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना की। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिए थे जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए।
सोलहवां साल लगते ही देवदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई थी कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास एक वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा को उसके साथ ही भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लूं। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला हे प्रिये इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ, यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बराती मंडप आई तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा प्राणी गहन हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाई तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाई। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज
इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वे मामा वांजे वहां पहुंच गए। फिर उनको उनका ससुर अपने घर ले गया और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस ही बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल देता है। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। पुत्र और पुत्र वधु की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह व्रत पुत्र पात्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।